और स्कूल टाइमिंग के अंदर तो जेंट्स अलाउड ही नहीं है, मतलब गर्ल्स स्कूल की इतनी सेफ्टी मैंने कहीं भी, अब इतना एक्सपीरियंस है मेरा टीचिंग लाइन में, तो इतने बड़े बड़े स्कूलों में मैंने टीच भी किया, अभी तो मेरे को यहाँ 5 साल ही हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम डेरा सच्चा सौदा की सीधी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ रिया जी हैं जो टीचर हैं, यहीं के स्कूल में ये टीच करते हैं, डेरा सच्चा सौदा का जो स्कूल है। इनसे जानते हैं कि स्कूल का माहौल कैसा है, आश्रम का माहौल इनको कैसा लगता है, इनसे सीधी बातचीत आपको करवाते हैं। रिया जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। क्या क्वालिफिकेशन है रिया जी आपकी? मेरा, मैं BA JBT टीचर हूँ, प्रभाकर कर रखी है मैंने। ओके मैम, आप यहीं पर टीच करते हो, डेरा सच्चा सौदा का स्कूल है और आश्रम में भी आते हो, कैसा माहौल है मैम आपके स्कूल का? बहुत ही अच्छा माहौल है। जैसा कि पूरे सिरसा सिटी के अंदर आपको ऐसी एजुकेशन नहीं मिलेगी, इवन द यहाँ पे जो नॉन डिवोटी पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो डिवोटी पेरेंट्स हैं उन्होंने तो आना ही आना है, लेकिन जो नॉन डिवोटी पेरेंट्स हैं वो यहाँ की स्टडी का सिक्का मानते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मेरिट्स आती हैं वो 100 out of यानी कि 90 स्टूडेंट्स की मेरिट आती है इसके अंदर। और इवन द डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो है पूरे 4 साल से इन्हीं स्कूल के बच्चे हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स में। इवन द अकाउंट्स में 100 out of 100 अभी हमारे स्कूल के बच्चे ने लिया है, और जो हमारे जो टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, और इवन द बहुत यानी कि 25 years हो गए स्कूल को, और 25 years पुराने ही हमारे पास टीचर हैं। मतलब इतना अच्छा माहौल है यहाँ का, और इस बार तो हॉस्टल में इतने ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं कि आगे आपको बताएंगे स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी। मैम, जैसे सबसे पहले बात आती है गर्ल्स की, अगर बात करते हैं गर्ल्स सेफ्टी के ऊपर, हर पेरेंट्स सोचता है या जो भी पब्लिक सोचती है, आप बताइए आपके हॉस्टल में या आपके स्कूल में गर्ल्स सेफ्टी को लेकर कैसा माहौल है? देखिए, यहाँ पे मैं यूँ कहूँ कि जैसे कि और स्कूल कॉलेजों की बात करें तो इवन द सब पब्लिक को पता भी है कि स्कूल कॉलेजों के सामने इतने इतने बॉयज़ खड़े हो जाते हैं जहाँ पे लड़कियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे तो आप कभी भी आप आके विजिट करें तो यहाँ पे 10 किलोमीटर तक भी, मतलब किसी, कहते हैं ना कि परिंदा तक पर नहीं हिला सकता, क्योंकि यहाँ पे एंट्री पहले मेन गेट पे होगी, फिर स्कूल के रिसेप्शन पे होगी, उसके बाद जाके कहीं अंदर का होगा। और स्कूल टाइमिंग के अंदर तो जेंट्स अलाउड ही नहीं है, मतलब गर्ल्स स्कूल की इतनी सेफ्टी मैंने कहीं भी, अब इतना एक्सपीरियंस है मेरा टीचिंग लाइन में, तो इतने बड़े बड़े स्कूलों में मैंने टीच भी किया, अभी तो मेरे को यहाँ 5 साल ही हुए हैं, लेकिन यहाँ का जो स्टडी मेथड मैंने देखा है तो अपनी लाइफ के अंदर मैं, मतलब मैं सबको कहती हूँ कि ऐसी स्टडी मैंने देखी नहीं, जो सिस्टम है इनका, वे ऑफ टीचिंग है, जो इट इज़ वेरी डिफरेंट। डिफरेंट क्या करता है मैम और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ऐसा डिफरेंट क्या है? क्या डिफरेंट तो मैम ये है कि यहाँ के जो हर टीचर है, मतलब वो एज ए मदर यानी कि अपनी क्लास को आगे आगे से आगे आगे से आगे, कंपटीशन की भावना जैसे रहती है कि मेरा बच्चा आगे हो, वैसे ही एक क्लास टीचर्स के अंदर भी ये भावना रहती है कि मेरी क्लास इससे आगे हो। और दूसरा, डेडिकेट होकर जो टीचर्स यहाँ पे काम करते हैं, इवन द मतलब जो हमारे प्रिंसिपल हैं डॉक्टर शीला पुनिया, जो उनका मैं डेडिकेशन देखती हूँ स्कूल के प्रति भी, दिन रात उनको स्कूल का ही रहता है कि मैं अपने स्कूल को आगे कैसे लेकर जाऊँ। तो अभी मतलब जो अवार्ड मिला है बेस्ट एजुकेशन अवार्ड तो हमारे प्रिंसिपल मैम को मिला है, तो यानी कि हर चीज़ के अंदर मैं देखती हूँ। और दूसरा, इंटरनेशनल टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे मैम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टडी से रिलेटेड ही बच्चों को आगे लाया जाता है, यहाँ बच्चों को ऑलराउंडर बनाया जाता है। स्टडी से रिलेटेड यहाँ पे इतनी मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टेज कॉन्फिडेंस और जो अदर एक्टिविटीज़ या गेम्स की बात करें तो यानी कि टॉप पे है ये स्कूल। तो इसके लिए तो मैं हर किसी को यही कहती हूँ कि अगर एजुकेशन करवानी है या गेम में बच्चों को आगे लेके आना है तो इट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। मैम, एक जो पब्लिक के दिमाग में कुछ फोबिया मीडिया के द्वारा बनाया गया था यहाँ हॉस्टल को लेकर, गर्ल्स सेफ्टी के को लेकर काफ़ी बातें फैलाई जा रही थी, आप पब्लिक को क्या क्लियर करना चाहोगे अपने वीडियो के द्वारा? देखिए, आजकल जो सब लोग हैं एजुकेटेड हैं तो इसमें ये है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, जो लोग अब जुड़ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉन डिवोटी पेरेंट्स यहाँ ज़्यादा हैं, 20% जो है हमारे डिवोटी हैं और नॉन डिवोटी पेरेंट्स हमारे पास 80% लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है सेफ्टी वाइज, जो मीडिया ने व्यूज़ बुलाए हैं या कुछ भी ऐसा था, लेकिन ऐसा मतलब मुझे भी 5 साल हो गए, मैंने कभी अपना लाइफ में देखा नहीं। इवन द जो मेरे
पेरेंट्स हैं वो मानते हैं डेरे को, कब से मानते हैं वो, तो मेरे जब मैं छोटी थी तब से ही मानते हैं, तो हमने कभी ऐसा डेरे के बारे में कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। तो इसके लिए तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि किसी के लिए भी गलत बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, क्योंकि अपने अच्छे कर्म करने हैं तो किसी के बारे में बुरा ना बोले। गुरु जी के बारे में आपका क्या कहना है, उनका कितना रोल रहा है इस एटमॉस्फेयर, जो भी आपने अभी बताया, जो अभी गर्ल्स के लिए जो एटमॉस्फेयर यहाँ पर मिलता है, उनका कितना रोल है इस चीज़ के लिए? देखिए, मैं गुरु जी के लिए मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि एक गुरु जी की ही सोच भरी हुई है इन लोगों के अंदर, जो डेरा प्रेमी हैं या फिर अगर कोई मान लो इनको पता लगना चाहिए कि ये गरीब परिवार है, ये जो परिवार है अभी अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता या कोई एजुकेशन नहीं दे सकता। तो मैं इस चीज़ को देख के हैरान आती हूँ कि जैसे अभी स्कूल में शादी हुई है किसी कंडक्टर जो है उनकी बेटी की, तो सिर्फ 2 डेज़ के अंदर लाखों रुपए का सामान स्कूल में अंदर इकट्ठा हुआ। तो ये चीज़ देखकर तो मैं मेरे परिवार वालों से भी बात करती हूँ कि डेरे के बारे में लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती। जब दुख अपना आता है तो अपने रिश्तेदार तक भी छोड़ जाते हैं, लेकिन एक पिताजी ने ऐसी फैमिली बनाई है कि दुख सुख में अपनी फैमिली छोड़ जाए, मगर ये जो डेरा फैमिली है, एमएसजी फैमिली है, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या आपको लगता है आज ऐसे संत की सोसाइटी को ज़रूरत है? यस, क्यों नहीं ज़रूरत है, ऐसे अगर संत मिलते हैं तो और लोगों की भावनाएँ अच्छी होंगी। इवन द और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे कि जो पिताजी ने इतने भलाई के कार्य किए हैं, इवन द जो अब जैसे नशे के अंदर ये देख लीजिए कितने लोग अब डेरे के अंदर लोग जुड़ने का कारण भी यही है। जैसे कि मेरा एडमिशन काउंसलर भी हूँ मैं यहाँ, और जो मैं फील्ड में जाती हूँ तो सबसे पहले जो नॉन डिवोटी पेरेंट्स, जो कट्टर, जो मतलब डेरा प्रेमी नहीं है, मतलब डेरे के खिलाफ बोलने वाले भी यही कहते हैं कि अगर एजुकेशन माने तो आपके स्कूलों की, और इवन अगर मान लो नशे से दूर रखना है तो भी हम आपके स्कूल को चूज़ करेंगे। तो मैं उनकी जब बातें सुनती हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। तो मेरे ख्याल से ये हर किसी को पता है इस चीज़ का कि हमारी कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है गुरु जी का। तो देखो, जब देश की कहते हैं ना कि छोटी सी छोटी जो मतलब धीरे से जो मतलब जो कहते हैं कि एक छोटी सी एक सोच बदलनी है इंसान की, तो वो भलाई के कारों में इतना आगे जा रहे हैं, नशे के खिलाफ इतना ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं, इतना ये जो अब इन्होंने विधवा विवाह या फिर ये जो इन्होंने किन्नर का इनके लिए किया है, किन्नरों के लिए किया है पिताजी ने, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इतना अगर मान लो मतलब देश के अंदर कार्य हो रहे हैं तो वो सिर्फ पिताजी की वजह से हो रहे हैं। मान लो किसी की सोच बदली है या मान लो कोई इंसान डेरे से जुड़ा है तो अगर वो आगे निकल कर अगर देश के लिए कुछ कर रहा है तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? तो पर्सनली आपको क्या लगता है, जो भी एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे, पर्सनली क्या फील करते हो? पर्सनली तो मैं तो इसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं समझती भी, जिस चीज़ का कोई अभी प्रूफ नहीं है भी ये क्या चीज़ है, लेकिन इतने लोगों की भावनाएँ बदलने वाला इंसान गलत तो नहीं हो सकता। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? मैं तो यही अपील करूंगी कि अगर इतने अच्छे एक इंसान के पीछे करोड़ों जनता लगी है और इतने अच्छे रास्ते पर चल रही है, तो सरकार को जल्द से जल्द ये फैसला लेना चाहिए कि पिताजी को बाहर भेजना। थैंक यू सो मच रिया जी, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड डेरा सच्चा सौदा के बारे में, गुरु जी के बारे में अपना फैक्ट, अपना एक्सपीरियंस रखने के लिए। दोस्तों, ये है असली सच डेरा सच्चा सौदा का और यहाँ के स्कूल का। जिस तरीके से ये टीचर हैं यहाँ पर, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सबसे अच्छा स्कूल जो माना जाता है यहाँ के एरिया में, काफ़ी अवार्ड्स भी इनके स्कूल को मिल चुके हैं, काफ़ी एजुकेशन अभी काफ़ी आगे है और गेम्स में भी काफ़ी आगे है ये स्कूल, काफ़ी बातें इन्होंने हमारे साथ शेयर की। फिर आखिर क्यों, दूसरी तरफ जो सवाल उठता है, फिर आखिर क्यों इसी स्कूल को, इसी संस्था को, ऐसे संत को इस तरीके से बदनाम किया गया, इस हॉस्टल को इस तरीके से बदनाम किया गया? आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि समाज से नशा दूर हो, बेटियों की इज्जत जो इनके स्कूल के द्वारा, आश्रम के द्वारा लोगों को मिलती है, लोगों तक मैसेज पहुँचता है, वो लोगों तक ना पहुँचे, आखिर कौन लोग हैं? ये सवाल जनता से ये लोग कर रहे हैं और लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप लोग भी खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।